हम तेरी शरण में आए, हम तेरी शरण में आए, बदला को गोरी लाल जी, हम तेरी शरण में आए, हम तेरी शरण में आए, बदला को गोरी तुझे खयाऊ बनाऊ हे संग्राम विजेता, सच में तुझे खयाऊ हे संग्राम विजेता, पूजा करे तुम्हारी हो लाला देव देवन के नेता, पूजा करे तुम्हारी हो लाला देव देवन के श्री गणपति महाराज की जयकारा, शेरा वाली जी दा उन्हें सच्चे दरबार की सुबह धन्यवाद। जी सनबत शर्मा जी जिन्होंने एक 15 दिन हाजरी लाई है, बोल सच्चे दरबार से कुछ कहन चुका हो गया, रहमत तेरी दे सदका ऐ मेरी दाती, मैं चार बंदे च बैठ जोगा हो गया, ये सारा ओदा ही करना है। एक गूंगा गूंगे ही जिन्हों कुछ नहीं सुनता वो गूंगा ही है, ये सारा इन्हों का ही कर्म है कि बेसुरियां भी तख्त बिठा दें गूंगियां भी। सो तुहाडे प्यार सदका कल मेरी भेट रशके कमर से टिकटो म्यूजिक से रिलीज हो रही है, बहुत समय ना लेते हुए आप शुरू करते हैं जी। गणपति महाराज भाजी कुछ हेलो ज्वाला सी जलती है आंखों में जिनके भी, दिल में तेरा नाम है परवाही, क्या उसका यार कैसा है, और कैसा परिणाम है, ज्वाला सी जलती है आंखों में जिनके भी, दिल में तेरा नाम है Thank you.
करके सारी संगत जी शब्दों नाल आए हो। एक बार आप जागी च बैठे हैं, बड़ा वधिया माहौल है, बड़ा डिसिप्लिन है, वधिया लगता है इत्थे आके। जे मैनू इत्थे फ्री भी बुलाओगे मैं तां वी आ जाऊंगा। बड़ा सोहना लगता है, प्यार बड़ा मिलता है इत्थे, सब तो वड्डी गल है। क्योंकि पैसा कोई खास गल नहीं, हाथ दिंदे ने मालक ने, सारे कमा लैंदे आ, पर इज्जत दा हर कोई भुखा हुंदा है। इह कमाउणी बहुत औखी है बाबे। एक बार दोनों हाथ खड़े करके जेड़े जेड़े शरदा दे नाल दरबार दे विच आए आ, एक जकारा लाउणा है। जकारे दी आवाज मां शेरा वाली दे कन्नां तक पहुंचनी चाहीदी है, ताइयों तुहाडियां मुरादां पूरियां होणगियां। आओ मेरे नाल नाल, हाथ थल्ले नहीं करने किसे ने, जे शरदा नाल आए हो, जे नहीं आए बेशक ना करियो। जयकारे मां शेरा वाली दा, ओ सच्चे दरबार की क्या बात है भाजी, न्यारे बने पए आ। जगदीश चाचा जी साडे जीजू, बहुत सारा प्यार मान सत्कार ताडे करके इत्थे तक पहुंचे आ। आओ अगे हवा में
स्टेज के उत्ते पानी पूजा करते हो जी साझी वीर सो अज का जो आप प्रोग्राम है लाइव तक रहे हैं सो साडे विच बाबा जी सोनिया महंत जी वह भी उचेचे तौर पर हाजरी भर भरन वास्ते आए हैं। बाबा जी सोनिया महंत जी पहुंचे ने उन्हों का सब तो पहले तो इतने पुजन से बहुत बहुत धन्यवाद है। कहते जंगलों में मंगल लग जाते जिते होवे वासा संतान का रब न भी मनना पै जाता जे किया हो अरदासा संतान का। सो बाबा जी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद है सोनिया महंत जी। इस तरह चंद कु मिनटों के पंजाब नहीं बल्कि दुनिया के नामवर वास जिन्होंने सारे मैंबर सवाल ले आ रहे हैं। सो असी सब तो पहले तो मेरी वड्डी भैन मैडम सुखविंदर बिट्टी जी का बहुत बहुत ऋणी हाँ तो बहुत बहुत धनवादी हाँ कि साढ़े जो नमाणिया बख्शिया प्यार तुसी साढ़े जो नमाणिया बख्शिया प्यार तुसी सारे चेते तानो आखते महान तुसी आशीर्वाद रखना सुखी जन जी उत्ते धन भाग थोड़े मैडम सतविंदर बिट्टी जी पैर पाए साडी दहलीज उत्ते धन भाग थोड़े पैर पाए साडी दहलीज उत्ते जिन्हें भी मुबारक कदम तुसी साढ़े वेड़े दे विच चल के आए हो तो तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। निक्की जिया नूं आखदे आ कि हसद्या दे नाल हसदी दुनिया खड़िया वेख के चेहरा बच्चा मामा श्री रागड़ी महके चार चुपेरा सुखी चंगे कम करना तू हर दिन नवा सवेरा साडे बेड़े पैर पाए तुसी मैडम बिट्टी जी सानू तो इन्ना ही मान बथेरा सानू इन्ना ही मान बथेरा। सो ढोल दे डगे दे नाल बहुत ही सत्कारयोग हलका सानेवाल दे इंचार्ज मैडम सतविंदर बिट्टी जी पहुंचे ने जिन्हां दा धर्मसोत स्पोर्ट्स क्लब दे नाल ढाढा प्यार है। प्रधान विजय जी होरी लो जी सो उन्होंने नाल मैडम सरबजीत कौर जी मैंगटे करमजीत जी करमजीत कौर जी चेयरमैन साहब ढिल्लों साहब उन्होंने नाल ही मैडम बलजिंदर कौर जी होरी ते जदों मूह किसे दा मैं ना लैणा तुटिया रब कहण नालों पहला मां कहणा सिखिया। सो उन्हें प्यारे बोल मेरे वीर दे पंजाब दे विच गूंजदे ने। सो सुखविंदर विला जी उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद है जो हर साल वड्डी हाजरी भरदे ने। सुखविंदर विला एंड पार्टी बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीर दा। हाँ जी बाबा जी आओ जी भादसों तो जिन्हां ने स्टेज सजाई है क्या बात है पूरे पांच साल हो गए इन्हां नूं। शनि शनि भाजी साढ़े जल्ले तो पहुंचे ने वीर जी आओ करा मान सम्मान लो शनि भीर जी जल्या तो उन्होंने बेनती है भी मान सम्मान लो। इधर बाबा जी भादसों तो पूरे पांच साल हो गए जिन्होंने स्टेज बहुत वधिया तरीके ने हर साल सजाते ने साडियां भैणां का बहुत बड़ा सहयोग पूरे 12 तरीक तो लैके 18 तरीक तक गुरु के लंगर टुट वरत रहे और बहुत वड्डी सेवा धर्मसोत स्पोर्ट्स क्लब की महामाई मेहर करे हर एक की मनोकामना भावना पूरी करे
ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ, ਪੁੱਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੰਗ ਸਾਡੇ ਰਹੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੰਨਿਆ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਤਨ ਤਨ ਸੰਗਤ ਜਾਵੇ ਮਾਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰਾਉਂਗੇ ਤਨ ਤਨ ਕਹਿ ਬਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ? ਨਾਮ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਖਟਾਣੀ ਚਲੋ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭੋਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾ ਭੋਲਾ ਮਾਂਗਟ ਵੀਰੇ ਸੋਰੀ ਸਨਮਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕ ਚੰਦ ਸੀਹੀੜੇ ਤੋਂ ਸਹੇੜੇ ਤੋਂ ਸੀੜੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕ ਚੰਦ ਸੀੜੇ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਚੰਦ ਲੈ ਲਿਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੋ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ, ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਕਰੇ ਕਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਲੋਕ ਤੱਤ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਅਤੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪਈ ਖਾਨੇ ਬੰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਤੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ, ਆ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
लो जी बह जाओ सुनो बेबे कहती है कि ना जाए मस्ता दे बहना मस्त बना देन कभी सुनाऊंगा पाई ही सुनाऊंगा इसको मैं टकर जाऊं साथ में जड़ी मैं गल करने जा रहा हूं रिश्ते की परख होती है कि भैन कदों परखी जाती है भरा कदों परखे जाता है तो जिहड़ा पति है एक औरत है वो कदों परखी जाती है कली कली गल गौर नाल सुनियो जे चंगी लगी जे समझ लगी ताडे खाने पई गल फिर ताड़ी मारियो नहीं तो लोड़ नहीं की हो विच बुढ़ापे लोड़ है पैंदी पुत दे कंदे दी समा ऐसी एक चीज जो परख कराजे बंदे दी ओ जदों मां प्यो घर चों कढ हवेली पाया जांदा है ओयो तो पुत परखिया जांदा है जदों व्याया जांदा है ਹੋਇਓ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਰਖ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੇ ਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਲਣਾ ਪੈ ਜੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਨੂੰ ਸੂਟ ਟਾਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰੀਬੀ ਦੇ ਹੋਇਓ ਤੋਂ ਪਤਨੀ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲੋਕੋ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹੋਇਓ ਤੋਂ ਔਰਤ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲੋਕੋ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਤੇ ਭੈਣ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਧੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੂੜਾ ਕਰਕੇ ਲਊਗੀ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਪਰ ਧੀ ਸਵਾਦ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧੀ ਥਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਧੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੇ ਵਧੀਆ ਨਾ ਲੱਗੀ ਫੇਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ ਹੋ ਧੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਬਣਦੀ ਭਾਵੇਂ ਆਖੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦ ਉਹਦੀ ਮੰਦ ਮਾਰੀ ਉਹ ਰਾਏ ਕੋਟ ਵਾਲਿਆ ਪੱਖ ਪੂਰੇ ਜਦ ਦਿਲ ਬਰ ਜਾਨੀ ਦੇ ਓਏ ਉਦੋਂ ਧੀ ਵੀ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲੋਕੋ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸੋ ਸੋਰੀ ਵੈਸੇ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਜੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਚਲੋ ਸੋਰੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਮੈਟਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮੈਟਰ ਛੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਤੂੰ ਕੀ ਲਿਆ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਤੂੰ ਕੀ ਲਿਆ ਕਰ ਜਿਸ ਹਾਲ ਚ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਰਾਜੀ ਉਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣਾ ਜੀ ਲਿਆ ਕਰ ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਰਾਜੀ ਉਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣਾ ਜੀ ਲਿਆ ਕਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੰਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੰਨਤ ਵਸਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੰਨਤ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗੇਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜੰਨਤ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗੇਗੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜੰਨਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈ ਜਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜੰਨਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈ ਜਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਂਗੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ
कि मैं अपनी औलाद का नसीब अपने हथा नाल लिख सकां, क्योंकि जिथे मेरी औलाद खुश है उही जगह मेरे लिए जन्नत है, उही जगह मेरे लिए स्वर्ग है, उही जगह मेरे लिए सब कुछ है। माँ प्यो तो वड्डा कोई रिश्ता नहीं, अगों की लिखे हो जन्नती अलोक जिन्ना मामा राजी रखिया, मामा भावे जगी तो मीटी जानी अखिया, मर के भी मंग दिए हाय तेरे लिए दुआ। ओ जदो मामा मर जातिया कोई नहीं कहता पुत छेती करिया, जदो मामा मर जातिया कोई नहीं कहता पुत छेती करिया, कोई नहीं कहता, क्योंकि उन्हां तो सिवा तेरी जरूरत किसे नूं नहीं है, किसे नूं नहीं है। जो बंदा व्याह जाता ना, जो बंदा व्याह जाता, जो शाम घर काम तो वापस आता, उसकी पत्नी कहती हाँ जी क्या कमाया, उसके बच्चे कहते हाँ जी क्या लाया। सिर्फ एक माँ बाप ही ऐसे ने जेड़े पुछते बेटा सुबह का कुछ खाया, सुबह का कुछ खाता कि नहीं खाता, क्योंकि उन्होंने लोड़ नहीं तेरे पैसे धेले की, तू खुश है तेनू वेख के वो खुश ने। गल सुनो जिन्ने मेरी भैन बैठी ने, जिन्ने मेरे वीर खड़े आ, गल सुनने वाली है। एक बच्चे का, एक बच्चे की माँ गुजर जाती है, बाप नवी शादी करवा लेता है, जो नवी शादी करवाता है एक दिन आपे अपने बच्चे सवाल पूछता है कि बेटा मैंने एक गल दस, जिहड़ी माँ ने तेनों ढिडो जमया सी ते जिहड़ी आ हुण आई है इन्हां दोवां च की फर्क है, जिहड़ी माँ ने तेनों ढिडो जमया सी ते जिहड़ी आ हुण आई है इन्हां दोवां च की फर्क है। वो बच्चा कहिंदा डैडी बहुत वड्डा फर्क है। ओह कहिंदा की फर्क है। बच्चा कहता डैडी जिड़ी ने मेनू ढिडो जमया सी ना, जिड़ी ने मेनू ढिडो जमया सी वो तो एकदम झूठी सी, वो शाम नू मेनू रोज कहती हुंदी सी जे तू खेड के टाइम सिर घरे वापस नहीं आया मैं तेनू रोटी नहीं देनी, ते जिड़ी आ हुण आई है एकदम सच्ची है। जिड़ी ने मेनू ढिडो जमया सी ना वो रोज कहती हुंदी सी कि जे तू शाम नू खेड के टाइम सिर घरे वापस नहीं आया मैं तेनू रोटी नहीं देनी, ते शाम नू लभ लभा के मेरे मुंह च बुरकियां पाउंदी सी, वो तो झूठी सी। ते जेड़ी आ हुण आई है ये भी उत्ते कहती है कि जे तू शाम नू खेड के टाइम सिर घरे वापस नहीं ना आया मैं तेनू रोटी नहीं देनी, ते डैडी अज तीन दिन हो गए तीन दिन इन्हें मैनू रोटी नहीं दिती एकदम सच्ची है। मैनू लगता समझ नहीं लगी, मैं तो गल गौर नाल सुनो सुनने वाली गल मैं उही कहना पहला समझो बिना बजूल। कई बार कलाकार कहता मैंने अपना मैटर शुरू करना होंगे तुम ताड़ी मार जो सब पहले ही मार देते हैं लोग, क्योंकि उन्होंने ध्यान उधर होंगे नहीं, फोकस नहीं करते उस चीज़ को। ये तो एकदम सच्ची है कि क्योंकि अपने तो बिना कदर कोई नहीं जानता। की लिखे थां थां नी दर्द सुनाए जाते दिल होंगे नी थां थां फोल यारो, उस चीज की कदर पता है तो लगे जो तो रही नहीं हो साडे कोल यारो, हो लख प्यार मुहब्बत होने भावे रंग खून का फिका नहीं पै सकता, आखिरी अपने ही कमे आते ने जगह उन्हां दी कोई नहीं लै सकता। क्यों के जो चढ़ी ते चढ़ के उतर गई उस झूठी खमारी का की फायदा, जो चढ़ी ते चढ़ के उतर गई वह झूठी खुमारी किस काम की, जिहड़ी वक्त ते धोखा दे जावे दसो उस वारी किस काम की, जिहड़ी वक्त ते धोखा दे जावे दसो उस वारी किस काम की, जिहदे विच ना कुछ बोल रहिंदे ओ दिल की पटारी किस काम की, निर्दोष जो खाजे यार नूं हुई उस यार की यारी किस काम की, क्योंकि यार यार सब है दिलदार यार कोई नहीं, यार यार सब है दिलदार यार कोई नहीं, वो सुख में यार सब है मुसीबत में यार कोई नहीं। जो मुसीबत आती है तुहाडे नाल कोई नहीं खड़ी, यह टल सचाई है कभी मर्जी परख लियो। बहुत घट लोग ने जिहड़े रिश्तियां की कदर करते हैं। अगों की लिखिया कि जो कुख विच कतल कराउण ती आयो मापे नहीं होंदे बिना गल तो ही टुट जाण यारो, रिश्ते नाते नहीं होंदे कहण सियाणे झूठी होंदियां, पुत शर्मण जे पुत जमणगे मैं कह नहीं सकदा
पर इनी गल भी अखण तो मैं रह नहीं सकता के जो नीवा दस दे होरानू ओ उपर नहीं हुंदे के जो दिल दुखांदे मापिया दायो पुत्र नहीं हुंदे ओ मर जाने पुत्र नहीं हुंदे बढ़िया लगे ताड़ी मार दो जो नहीं लगे हजार।